मुंबई के 75% मोबाइल टावर अवैध हैं। दो महीने तक किए गए बीएमसी के सर्वे में यह साफ हुआ है, बगैर प्रशासन की इजाजत के मुंबई में हजारों मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। इनकी वजह से कई लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो चुकी हैं। मुंबई में मोबाइल कंपनियां बगैर प्रशासन की इजाजत के मनमाने ढंग से अपने टावर लगा रही हैं और इस घपले में कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी शामिल हैं। मुंबई में इस वक्त कुल 4779 मोबाइल टावर हैं, इनमें से सिर्फ 1159 वैध हैं, यानी 3620 मोबाइल टावर ऐसे हैं जिनकी इजाजत नहीं दी गई। साल 2011 से 2013 के बीच अवैध मोबाइल टावरों की संख्या दोगुनी हो गई। आज ही मेरे पास ये डेटा पूरा आ चुका है। मुंबई के करीबन 75% टावर ये इल्लीगल है, ये उन्होंने प्रशासन ने हमको कहा है। अभी मैं सीताराम मुंडे जी को जाके मिलने वाला हूँ कि इल्लीगल टावर के बारे में आप क्या कर रहे हो, जो इल्लीगल है उनको निकालना है और जो भी इसमें इर्रेगुलरिटीज है। बीएमसी के मेयर सुनील प्रभु के मुताबिक जो भी कंपनियां अवैध मोबाइल टावर लगाने में पाई जाएंगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि इन अवैध मोबाइल टावरों के कारण कई मुंबईकर कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हो गए। हमको तो लगता हुआ टावर से वजह से हुआ, क्योंकि मेरे सब मतलब अच्छे थे, फेमस के थे, सभी बहुत अच्छा था, कुछ था नहीं टावर से हिसाब में चलो कट्ठा लगना। डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे दिखाया, कैंसर का आया। मैं आया वो मेरे चाचा मिला वो बस। मेरे को ये बाजू में मोबाइल टावर है, इसके वजह से मेरे को हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे तो हो गया पर मेरा बिल्डिंग में सब फ्लोर में हो गया है, इसलिए मेरे को लगा कि इन सबसे पहले इन निकाल लो तो अच्छा है। अभी तक 4 लोग जो हैं वो कैंसर की भी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटियों की लालच और प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर बयां हो रही है। मुंबई की हर तीसरी सोसाइटी में पेड़ पौधों की जगह मोबाइल टावर देखे जा सकते हैं। कई प्राइवेट सोसाइटी मोबाइल कंपनियों से पैसे लेकर बगैर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता किए धड़ल्ले से मोबाइल टावर लगा रही हैं। इस मामले में कई अधिकारी भी शामिल हैं जो सब कुछ जानते हुए आंखें मूंदे हुए। समय के लिए मुंबई से कुणाल जाधव के साथ धर्मेंद्र दुबे।